क्या आप एक लायर हैं और आपके अंदर स्किल होते हुए भी क्लाइंट नहीं है? तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है और मैं लेके आया हूं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग फॉर लायर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मोशन डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं कि लॉयर के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए या फिर एक लॉ फर्म के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो इसके हम कुछ लॉफुल एस्पेक्ट को भी देखते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग करना एक लॉयर के लिए लीगल है या नहीं है। इस प्रोस्पेक्टिव ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है और सभी लायर से मेरा अनुरोध है कि अगर आप यहां आए हैं तो वीडियो में आप 10 मिनट दे के जाइएगा। इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं जो नॉलेज, आपको पूरा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी देने वाले हैं और लॉ को ध्यान में रखते हुए देने वाले हैं, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि आपको ऑल ओवर इंडिया के लॉ फर्म, जितनी भी लॉ फर्म है, सबके कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडीज देने वाले हैं, कभी भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं लीगल ड्राफ्टिंग किट, जो आजकल मार्केट में बहुत तरीके से लोग बेच रहे हैं, महंगी से महंगी करके बेच रहे हैं, बहुत मिनिमल कास्ट में हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे लीगल ड्राफ्टिंग किट। यहाँ पे आपको 10,000 प्लस लीगल ड्राफ्टिंग मिलने वाली है और वो भी लगभग 8,000 लीगल ड्राफ्टिंग आपको हम देंगे इंग्लिश में, लगभग तकरीबन तकरीबन 2,000 लीगल ड्राफ्टिंग आपको हम देंगे हिंदी वर्जन की। तो आप इंग्लिश से हैं, हिंदी से हैं, इवन मराठी से हैं, तब भी हम आपको कंटेंट देने वाले हैं। तो आप वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा। अब आपको क्या चाहिए? मैंने एक लॉ किट बनाई है और इस लॉ किट में लायर के लिए एक कंप्लीट पैकेज रखा है और साथ ही साथ हम आपको बुक्स भी देने वाले हैं। जो बुक्स है ना, कि हर लायर का एक सपना होता है कि मेरे को ये बुक मिले तो शायद मैं इस बुक को पढ़ सकता था, मैं अपने लॉ प्रोफेशन को और ऊपर ले जा सकता था। तो वो बुक भी यहाँ पे आपको, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगी, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। 1 रुपए का हम आपसे उसमें एक्स्ट्रा चार्ज करने वाले नहीं है, आपको सेम बंडल मिल जाएगा। चलिए हम अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और बात करते हैं कि एक लॉयर के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लॉ की बात करते हैं क्योंकि आप लॉयर हैं, ठीक है। आपका जो ये विभाग है वो आपको अनुमति नहीं देता है कि आपका जो कोई भी बोर्ड है कि आप अपना ऐड ओपन तरीके से, मतलब डायरेक्टली आप अपने ऐड को रन करें, ठीक है। तो इस प्रोस्पेक्टिव ऑफ व्यू को हम ध्यान में रखते हुए आपके ऐड की स्ट्रेटजी हम यहाँ पे शेयर करते हैं, ठीक है। वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है और मैं इस ऐसे प्रकार के वीडियोस लेके आता रहूंगा। और वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप न्यू लायर हैं, पुराने लायर हैं, इवन आप अभी बिगनर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। और चूंकि मैं बता दूं, मैं लॉ फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूं, एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मैं कई लॉ फर्म के लिए काम कर रहा हूं, लीड जनरेट करने का काम कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए हम आप अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे प्रमुख और इंपॉर्टेंट बिंदु है आपकी प्रोफाइल का होना। अब आपकी प्रोफाइल से क्या मतलब है? अगर आप लायर हैं तो आपकी एक लॉ से रिलेटेड जो कुछ भी सर्विस आप देते हैं, इवन आप सिविल का केस देखते हैं, क्रिमिनल केस देखते हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार के डिपार्टमेंट को आप हैंडल करते हैं, तो आपकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए। अब ये प्रोफाइल कहाँ होनी चाहिए? ऐसा नहीं कि कागज पे होनी चाहिए, आपकी ये प्रोफाइल डिजिटल होनी चाहिए। अब ये डिजिटल क्या है? अब ये डिजिटल क्या, आप सोच रहे होंगे डिजिटल क्या है? डिजिटल का मतलब आपका इंटरनेट पे मौजूद डेटा होना चाहिए। अब इंटरनेट पे मौजूद डेटा की वैलिडिटी कब ज़्यादा होती है या उसका महत्व कब ज़्यादा है? जब वो गूगल में रैंक करता है। गूगल इस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे सर्च इंजन के नाम से भी हम जानते हैं, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। प्रोफाइल के लिए प्रोफाइल किस प्रकार की होनी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये है। आपकी प्रोफाइल एक वेबसाइट होनी चाहिए,
इवन उस वेबसाइट पे एक प्यारा सा लैंडिंग पेज होना चाहिए, 3-4-5 पेज की वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। और वो लैंडिंग पेज क्या होना चाहिए, बहुत ही ग्रैबी होना चाहिए, मतलब कोई भी आए बंदा तो मतलब उस पर उसका फुल अट्रैक्शन आपके लगे कि, और वहां पे वो आपको क्या दे दे, क्या दे दे जो हर एक बिजनेसमैन की चाहत होती है, वहां उसको बंदे को मिल जाए लीड। मतलब अगर आप वकील हैं, लॉयर हैं, लॉ फर्म है, इवन कुछ भी हैं आप किसी फील्ड के, तो आपको एक लीड मिल जाए। और वो लीड मिल जाए तो आपने क्या करना है, उस लीड को बहुत जल्दी से जल्दी क्या करना है, फॉलो अप कर लेना है, कॉल कर लेना है, कॉन्टैक्ट कर लेना है, व्हाट्सअप कर लेना है, एनीथिंग एल्स, ये आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो अब ये प्रोफाइल हो गई, अब प्रोफाइल आपकी ऊपर भी होनी चाहिए। अब प्रोफाइल बन जाना तो सभी अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, क्या प्रोफाइल सबकी ऊपर होती है, नहीं होती है। तो यहां पे जो मेन टर्म आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है, और यहां पे आप चाहेंगे कि स्वयं से कर लें तो बहुत टाइम टेकिंग है, आप किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप अभी इनिशियल स्टेज पे एक रुपए खर्च नहीं करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम आपके लिए यहाँ कोर्स कुछ लेके आए हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमारे द्वारा सिखाए गए व्यक्ति का एक रुपए लागत एक्स्ट्रा नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम फ्री की भी बात करेंगे। तो अब उसके बाद हो गया कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रोफाइल से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोफाइल को मैंने ऊपर रखा है क्योंकि होता यह है यार, बिना प्रोफाइल के आपको, आपके पास लोग आ तो जाएंगे लेकिन यार वो आपके बारे में फिर से वो जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये कौन है बंदा, किस प्रकार से आप तक के केसेस को इन्होंने हैंडल करा है, तो इसीलिए मैंने प्रोफाइल को ऊपर रखा है। लेकिन अब जो दूसरा पॉइंट है ना, वो प्रोफाइल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लोकल बिजनेस, जिसे हम गूगल माई बिजनेस, और आज के डेट में ये गूगल मैप में कन्वर्ट हो चुका है। तो गूगल मैप पे लिस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब लिस्टिंग होनी चाहिए तो लिस्टिंग जो आपकी होनी चाहिए ना गूगल मैप में, लिस्टिंग आपकी टॉप 3 में दिखनी चाहिए। चलो छोड़ो हम कोई बात नहीं, टॉप 5 में तो दिखनी चाहिए, ठीक है। अब वो वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब लिस्टिंग किस प्रकार से होती है, देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं अपने लोकल एरिया के लायर्स को सर्च करता हूं गूगल पे। देखिए आप स्क्रीन पे मैं लोकल एरिया के लायर्स को सर्च करता हूं। देखिए मैंने लायर्स इन आवर सिटी, मेरा सिटी का नाम है जौनपुर, मैंने सिर्फ लिखा लायर इन जौनपुर और लायर इन दिल्ली। तो देखो एक लिस्ट बन के आ रही है ऊपर, ये 1, 2, 3, 4 कुछ ऐड दिख रहे हैं, ये गूगल के एड्स हैं, इनको हम मेजर नहीं करेंगे क्योंकि ये पेड एडवर्टाइजिंग है, हम पेड एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं जाने वाले। अब नीचे ये लिस्टिंग स्टार्ट हो जाती है जहां पे रेटिंग दी हुई है, दिख रही। अब यहां पे जो 1, 2, 3 जो मेल लिस्टिंग है ना ऊपर दिखने वाली, ये मार्केट के बिग प्लेयर हैं, ये मार्केट की 1, 2 और 3 बिग प्लेयर हैं। अब यहां पे इनसे आपको कंपटीट करना है, इनसे अगर आपने कंपटीट कर लिया तो महीने के 5 से 10 क्लाइंट या इवन आपके 20 से 25 कॉल आपको आएंगी। कन्वर्जन आई डोंट नो कि किस प्रकार से आप लोगों को हैंडल करते हैं, कन्वर्जन कर पाते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, ओके। लेकिन यहां से आपको लीड मिलना स्टार्ट हो जाए, लीड मैग्नेट आपका बन के तैयार हो गया है। अब लीड कैसे मिलेगा, डायरेक्ट कॉल आएगी, वहां पे वेबसाइट का लिंक होगा, वेबसाइट के लिंक पे लोग क्लिक करके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे कमाल की ट्रिक जो मैंने शेयर करी है ना, ये गजब क्या है भाई, आजकल लोग यूज कर रहे हैं और जो यूज नहीं कर रहा है ना वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि टॉप 3 में आप आ जाएंगे, सबसे टफ सवाल यही है, और आज सबसे ज्यादा लड़ाई इन्हीं टॉप 3 की होती है। जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग है तो टॉप 1 पे आती है मेरे लोकल एरिया में, तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपकी भी प्रोफाइल टॉप 1 में आएगी, और पहले महीने ही आपको पहला काम मिलेगा, वो भी डिजिटली मिलेगा अगर काम नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। अब तीसरा जो प्रमुख पॉइंट है आपका कंटेंट मार्केटिंग, यार अब कंटेंट क्रिएट करना, बेसिकली हम मार्केटिंग पे अभी नहीं जानते हैं, समझते हैं कंटेंट। आज के दौर में कंटेंट, किस प्रकार की कंटेंट की डिमांड ज्यादा है आपको पता होगा। मेरे हिसाब से वीडियो कंटेंट इज मोर सफिशियंट फॉर एनी बिजनेस ग्रोथ, एक कोई भी बिजनेस ग्रोथ हो उसके लिए वीडियो कंटेंट
सफिशियंट होता है और मोर कैची, बहुत ही मतलब इम्पैक्टफुल होता है, हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। और वीडियो, ऐसा वीडियो जिसमें आप स्वयं बोल के, जैसे मैं बोल के एक एक बातें समझा रहा हूँ, इस प्रकार से अगर आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होता है। आप बैकग्राउंड में भी रह के इमेजेस वगैरह डाल के, वीडियोज डाल के ऐसे ही बना सकते हैं, नो इशू, बट वीडियो कंटेंट आपके पास होना मस्ट है। एंड सेकंड कंटेंट की बात आती है तो क्या हो सकता है, आपके इमेजेस हो सकते हैं। इमेजेस ऐसे हो सकते हैं जो कि कुछ बयां कर रहे हों, आपके प्रोफेशन को वो प्रस्तुत कर रहे हों, जैसे कुछ सवाल पुटअप कर रहे हों, लोगों के मन में कौतूहल, जानने की इच्छा उत्पन्न कर रहे हों कि ये बंदा इस फील्ड की नॉलेज हमेशा देता रहता है कंटेंट मार्केटिंग। अब तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, आपके पास शब्दों का जाल होना चाहिए, मतलब आपके पास लेख होना चाहिए। जिस प्रकार से आप गूगल पे कोई क्वेरी होती है आप सर्च करते हैं, उसी प्रकार से आप गूगल से ही उठाइए, नो इशू, वहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, नीचे आप अपना इंट्रो दे दीजिए, अपने बारे में लिख दीजिए कि मैंने ये पोस्ट बनाई है, कहीं से ले लीजिए आइडियाज़। तो यार कहीं से, कहीं ना कोई कहीं ना कहीं से लर्न कर कर ही लिखता है ना, तो वहाँ आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं। कंटेंट उठाइए और कंटेंट को आप अपना, अपने लैंग्वेज में, सरल भाषा में उसको ढालिए और वो लोगों तक पहुंचाए। अब मार्केटिंग शुरू होती है। अभी मैंने क्या करा, पहले दो मैंने प्रोफाइल क्रिएट करी, सेकंड मैंने क्या करा है, ठीक है, प्रोफाइल के बाद गूगल माई बिजनेस मैंने क्रिएट करी, सबसे इंपॉर्टेंट, और तीसरी चीज मैंने क्या क्रिएट करी, कंटेंट क्रिएट करी। ये तीन चीज मैंने बना लिया है मार्केट पे। अभी कुछ चीजें बची हुई हैं, अभी हमारा कब्जा इंटरनेट पे नहीं है, अभी तो हमने बनाया है, अभी हम आए नहीं हैं मार्केटिंग के लिए। अब शुरू होता है मार्केटिंग का खेला, ठीक है। अब जैसे चौथा स्टेप हम चलेंगे मार्केटिंग के लिए, अब मार्केटिंग के लिए हम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं जो हमारे इधर लोकली बहुत पॉपुलर होगा। अब लोकली पॉपुलर, अगर मैं लेके चलूँ कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा पॉसिबल है, और मैं बताऊँगा कि बिग सिटीज़, जैसे हाई लेवल की सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर किस प्रकार के प्लेटफॉर्म ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर मैं अपने लोकल की बात करूँ तो मेरे लोकल में पहला नाम जो आएगा वो है आपका फेसबुक, ठीक है। फेसबुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों सेम प्रोफाइल है, आपको पता है ना, दोनों अब मर्ज हो चुकी हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम दो। और तीसरी की जो मैं बात कर रहा हूं वो है गूगल। अब गूगल की क्या है, गूगल का तीसरा है आपका यूट्यूब, और गूगल का क्या है उसके बाद पीपीसी, सर्च, जो गूगल पे डायरेक्टली हम सर्च करते हैं, ठीक है, पे पर क्लिक के लिए जो सर्च करते हैं। अब यहां पे हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल है, आई थिंक नो। तो अब हम करें तो करें, क्या करें। अब यहां पे आप एडवर्टाइजिंग तभी कर सकते हैं जब आप कोई एक फर्म है, तो फर्म है तो आप लोगों को एडवर्टाइजिंग कर सकते के लिए एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपना प्रमोशन कर सकते हैं अपने फर्म का, क्योंकि आप अपना अपने लिए प्रमोशन नहीं कर रहे, आप फर्म के लिए कर रहे हैं कि लोग आपके फर्म से जुड़े, ठीक है। अब वहां पे कर सकते हैं, लेकिन तब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ला रहे हैं, आपको ये करना चाहिए कि आपको फ्री के प्लेटफॉर्म को ही यूज करना चाहिए। अब फ्री का प्लेटफॉर्म, देखो भाई मैंने कंटेंट तैयार करा लिया, कंटेंट को आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करना है, जो अभी मैंने बताया, लेख लिखना है, सब पहले ही तैयार, वेबसाइट पे पोस्ट करना है, वीडियो मैंने तैयार करा लिया है, अब वीडियो को आपको पोस्ट करना है, अपने यूट्यूब पे पोस्ट करना है, ठीक है। तीसरा मैंने भी बोला है कि इमेजेस बना लिया, कंटेंट प्लस इमेजेस का मिक्सर बना के आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे शेयर करना है। सोशल मीडिया पे आपको एक प्रोफेशनल पेज बनाना है, इवन और प्रोफेशनल पेज पे टाइमली, हर दो दिन तीन दिन नहीं, डेली टाइम दे पाए डजेंट मैटर, आप 10 मिनट 20 मिनट सोने से पहले समय निकालिए, एक कोई इमेज निकालिए, कोई लॉ वगैरह कुछ कानून अभी नया आया हो, चेंजेज हुआ, और लाइए और वहां पे पोस्ट करिए, उसके बारे में दो चार बातें लिख दीजिए, बस इतना ही करना है। धीरे 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 करके ना, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी प्रोफाइल धीरे धीरे मेंटेन होती चली जाएगी। जहां भी कोई टॉप लेवल की वेबसाइट्स दिखे ना, वहां अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट का लिंक वगैरह आप छोड़ सकते हैं, ग्रुप में आप जाइए अपने वीडियोस को पोस्ट कर दीजिए। खाली समय में आपने क्या करना है, अपने जिले के ग्रुप्स खोजना है, जैसे क्या फेसबुक पे जाना है, अगर आप, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, इवन मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं, तो मैंने डालना है जौनपुर, केवल सर्च में क्लिक करना है, जौनपुर के ढेरों पेज आ जाएंगे, उन पेजेस में जाके मेरे को अपना पोस्ट
कर देना है। अगर पोस्ट वहाँ पे अप्रूव नहीं होती है तो वहाँ जो भी मॉडरेटर हैं उनसे एक बार कंसल्ट करके बात कर लेनी है कि सर मेरे कुछ पोस्ट आप अप्रूव कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी आप फ्री में अपना सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपसे शेयर किया है ना, गजब की स्ट्रेटजी है। अब साथ ही मैं ये बात कर देता हूँ कि कंटेंट में आप क्या करेंगे। यार हम कंटेंट मार्केटिंग तो करते हैं, कंटेंट बना दिया, वीडियो बना दिया, पोस्ट लिख दिया और इमेजेस लगा दिए, तो इमेजेस में करना क्या चाहिए। देखिए मैं ये कहता हूँ हमेशा अपने क्लाइंट को आप वैल्यू दीजिए, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। आप केवल वैल्यू के पीछे भागिए, वैल्यू को छोड़ के कहीं और मत जाइए। मतलब अगर आपने 100% की मैं बात करूँ तो 80-85% कंटेंट में आप क्लाइंट को वैल्यू दीजिए, केवल इन्फॉर्मेशन दीजिए। वहाँ आप अपना एडवर्टाइज मत करिए कि मैं आपको ये सर्विस देता हूँ, आप मेरे इधर आओ और मेरे से सर्विस लो। यहाँ एडवर्टाइज आप नहीं करेंगे। आप एडवर्टाइज तब केवल 15-20% कंटेंट के लिए आप एडवर्टाइज के लिए जाएंगे, जहाँ लिखेंगे कि मैं इस प्रकार की सर्विस देता हूँ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ही आप क्या कहेंगे कि ये मेरी सर्विस है, केवल 15%। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना, और हर वीडियो में, हर ऑडियो में, हर लेख में, हर पिक्चर में अगर आप डालने लगे कि इस प्रकार की सर्विस के लिए आप मुझसे संपर्क करें, तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे डाउन होती हैं। तो एटलीस्ट डाउन होती है, मैंने देखा है, अपने क्लाइंट के लिए मैंने काम भी करा है, ठीक है। तो गाइज अब आगे आप सोचेंगे कि यार मैं टॉपिक कहाँ से डेली लाऊंगा। सवाल ये भी आएगा ना आपके जहन में कि मैं टॉपिक कहाँ से डेली लाऊंगा, जो पोस्ट करूंगा, वीडियोज बनाऊंगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, दो चीज़ें आपको अपने माइंड में रख लेनी है। आपको डायरेक्टली गूगल ओपन करना है और वहाँ पे आप अपनी फील्ड को लिख देंगे, ठीक है। अपनी फील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पुटअप कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप एक जमीन बाई करना चाहते हैं, लैंड बाई करना चाहते हैं, तो आप वहाँ डाल दीजिए हाउ टू बाई ए लैंड, रूल्स टू बाई ए लैंड। तो वहाँ पे आपको गूगल पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। वो चीज़ आप उठा के यहाँ अपने यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब गेम शुरू होता है, गूगल आपको सजेशन देने लगेगा कि इस तरह के बंदों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये भी सर्च किया था, ठीक है। कि जैसे मेजर पॉइंट टू बाई ए लैंड, मतलब इस प्रकार से आप ये समझिए कि वह प्रमुख कौन से बिंदु रहे हैं कि जो आप लैंड को बाई करते समय मेजर करें, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन वो आपको सजेशन में देने लगेगा, वो क्वेश्चन वहां से आप फिल्टर कर लीजिए, ठीक है। एक जार निकाल लीजिए, अपने पास रख लीजिए। अब उन क्वेश्चन पे आप सर्च करिए और वहां पे क्या करिए, आप आंसर को लाइए और अपने पोस्ट पे, वीडियोज में वगैरह वगैरह आप पोस्ट करते रहिए, ठीक है। लेकिन अब यहीं से आपकी प्रोफाइल क्रिएट नहीं हो जाएगी, इसके लिए आपको कुछ और टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए। और मेरे को जितना फ्री में नॉलेज आपको देना चाहिए या आप जरूरत है आप कर सकते हैं, उतना मैं देने के लिए आपके लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप मेरा कोर्स बाई करना चाहते हैं, रियली बता रहा हूं, अगर आप कोर्स बाई करना चाहते हैं, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग मिलेगी जो जरूरी है, और आपके ला के अनुसार मिलेगी। हम आपके ला जो भी आपका कहता है उसी के अनुसार हम आपका प्रोफाइल बनाएंगे। आप ला फर्म हैं, लायर हैं, डजेंट मैटर, आपको लिए मैं कोर्स लेके आया हूँ। और कोर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है लिंक पे और वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे मेरा कोर्स की कीमत है 4,999 रुपये, लेकिन आपको ये कोर्स मेरे द्वारा मिलेगा 999 रुपये में। अगर नीचे मैं कूपन कोड दे रहा हूँ अगले 100 यूज़र के लिए, अगर आप बाई करते हैं तो आपको 499 रुपये में मेरा ये कूपन कोड हमारी वेबसाइट पे वर्क करेगा, 499 रुपये में। अब भी आप क्लिक करके ले सकते हैं। अब मैं बता दूं कोर्स में और क्या मिलने वाला, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग मिलने वाली है। मतलब यार आप अपने एरिया के सबसे मशहूर समझिएगा प्रोफेशनल लायर दिखेंगे प्रोफाइल वाइज, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी मतलब जो वर्क कैपेसिटी है ना उसको मेंटेन रखना है। कभी आप अपने लेवल को गिरने नहीं देंगे, गिरने देंगे तो आपकी प्रोफाइल नीचे चली जाएगी। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप मैनेज करेंगे। सेकंड चीज़, आपको लीगल ड्रॉपिंग किट मैं दे रहा हूँ जिसकी कीमत 25,000 रुपये तक का है। तकरीबन 10,000 कॉपी लीगल ड्रॉपिंग है उसमें, ठीक है। वो एडिटेबल फॉर्मेट में है, आपने उठाना है कॉपी में, थोड़ा बहुत नाम चेंज करना है, एक्सेल वर्ड फाइल है, और उसके बाद उसे क्या करना है, पुनः प्रिंट करके
अपने यूज में ले लेना है। साथ ही साथ ऑल इंडिया लायर फर्म के कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ, जहाँ आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, लोगों तक अपनी पहुँच भी बना सकते हैं। होता नहीं, एक यूनिटी का नंबर भी हम आपको दे रहे हैं, ईमेल आईडीज भी हम दे रहे हैं। और कुछ इंडिया के बड़े लायर्स या कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ के लायर के डेटा, मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी एक्सेट्रास भी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम बुक्स भी दे रहे हैं, ऐसी बुक्स नाम तो नहीं ले सकता, ठीक है, जो आप हर लायर की पढ़ने की चाहत होगी, काश मुझे ये बुक मिल जाती, ठीक है, वो बुक्स भी हम आपको लायर से रिलेटेड तकरीबन 100+ बुक देने की कोशिश कर रहे हैं, टाइमली अपडेट होता रहेगा। एक बार आपको मेरा ये पैनल जाके बाई करना है, लाइफ टाइम अपडेट है, बाद में आपको 1 रुपए का चार्ज नहीं देना है, नहीं तो आप मेरे से क्लेम कर सकते हैं कि सर आपने कहा था, मोशन डिजिटल सर कि आपने कहा था कि आपको लाइफ टाइम अपडेट। मैं यहाँ पे प्रूफ देता हूँ, बहुत से कंपनीज हैं जो आपसे लाइफ टाइम अपडेट के लिए बाद में आपसे कुछ मिनिमल चार्ज करती रहती, लेकिन मैं 1 रुपए चार्ज नहीं लूँगा। और 100 लोगों के लिए मैं ये 5,000 का कोर्स सिर्फ 499 रुपए में दे रहा हूँ। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं, आपको मेरे से कुछ वैल्यू मिली है, या फिर आपको लगता है इस बंदे में दम है और वैल्यू आगे मिलेगी, तो कोर्स को अभी इनरोल करें और आप अपने लिए एक नया डिजिटल इन्वायरमेंट तैयार करें, अपनी प्रोफाइल बनाइए और किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्लाइंट आपको खोज के आएगा। तो आज ही और अभी रजिस्टर करें, आपके लिए कूपन आपका इंतजार कर रहा है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।